तो दोस्तों अभी मैं जिस नीचे हूँ राजघाट पुल के नीचे, ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर से रेलगाड़ी जाती है और सामने है नमोघाट, तो चल रहे हैं उधर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद आज बनारस में नमोघाट पे आए हैं और तो सोचे हैं आप लोग को दिखा दें। और काफ़ी अच्छा है, बनारस का एक अच्छा नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इवन ये कह सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। अब तो काफ़ी अच्छा व्यू भी बन गया है और ये दो पार्ट में बन रहा है, पार्ट वन तो इसका बन के कम्प्लीट है, पार्ट टू में भी अभी काम चल रहा है बहुत ज़्यादा। और बनारस का एक नया लैंडमार्क टाइप का है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और तो आइए इसका व्यू आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये सामने जो दिख रहा है ये है राजघाट पुल, जिसको मालवीय ब्रिज भी बोलते हैं। अब इसके बगल में एक सिग्नेचर ब्रिज बनने की प्रपोजल है, जो बन जाएगा तो और अच्छा लगेगा। और ये जो ट्रैक है ये नया बना हुआ है ये सारा, और बरसात के दिनों में ये डूब गया था, लेकिन अभी बारिश में गंगा नदी का पानी पीछे चला गया बरसात खत्म हो जाने के बाद से, तो ये जगह फिर से दिख रही है और इसकी सफाई वफाई हो गई है। और ये गार्डनिंग एरिया बना हुआ है थोड़ा सा यहाँ पर, और ये सबसे अच्छी जगह है, यहाँ से आप बैठ करके गंगा आरती या शाम के टाइम लाइटिंग वोटिंग का पूरी तरह से इन्जॉय कर सकते हैं। आप देख भी रहे होंगे कुछ लोग अपना वेडिंग वोडिंग का सेलिब्रेशन करने के लिए, प्रिपरेशन वीडियो बनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं लोग अपना, और ये ऐसा व्यू है। और सबसे आगे चल करके आपको इसका एक सिग्नेचर लैंडमार्क दिखाते हैं, जिसकी वजह से सबसे पॉपुलर है, तो आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। और ये जो पत्थर उत्थर लगे हुए हैं सारे रेड पत्थर से हैं, जो चुनार से साइड से आए हुए हैं, और ये ऐसा व्यू है कुछ अगर आप सारा पूरा देखेंगे ये चीज़। तो दोस्तों आगे गेल का एक सर्विस स्टेशन भी, सर्विस क्या, रिफिलिंग स्टेशन है। अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी है तो सीएनजी अगर आप भरवाना चाहते हैं तो इस घाट पे सीएनजी की भी सुविधा दी गई है। ये देने का मेन पर्पज़ ये है कि आपकी टू व्हीलर गाड़ियों के साथ साथ जो नाव हैं उस नाव भी अब सीएनजी से चलने लगी हैं, जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, तो वो सीएनजी स्टेशन भी यहाँ पर मिल जाएगा मार्क यहाँ का भी। और आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छा मोमेंटम टाइप का बनाया हुआ है और नक्काशी वक्काशी बहुत अच्छी की गई है देखते हुए। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ी थीम है, वो ये है नमो घाट का लैंडमार्क थीम ये है, अगर आप बाहर से देखेंगे तो ये, और ये यहाँ पे लिखा है नमो नमः। आप कोशिश यहाँ करिए कि वीकेंड या वीकेंड एंड पे मत आइएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ, ऐसे टाइम पे आइए सोमवार मंगलवार के दिन, तो आप पूरा इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। और स्पेशली ठंडी के दिन में दोपहर के टाइम पे आइए, धूप का भी एंजॉय लीजिए और गंगा के पास बहती हुई सुंदर हवा का भी यहाँ पर एंजॉय लीजिए। मैं भी आया हूँ विद। ये सामने जो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टाइम लाइन इंस्टॉलेशन है, काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राजघाट, रामनगर और पचकोशी यात्रा। तो ये जो घाट है जहाँ पर हम हैं यहाँ से पूरी डिटेल स्टेशन बनाई गई है और ये बनाया हुआ है इसका लैंडमार्क। और ये सारी चीज़ें बनारस में जो फेमस जगहें हैं उसको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक इसको पॉइंट आउट किया गया है। और ये जो एरिया है ये आपका फूड कोर्ट वाला एरिया है ये सामने, और ये फूड कोर्ट बना हुआ है अब। तो दोस्तों ये था नमोघाट, और यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं तो कुछ वीआईपी मोमेंट्स भी होते रहते हैं, गाड़ियाँ वगैरह हमेशा आती रहती है, कुछ वीआईपी लोग भी यहाँ पे आते ही रहते हैं। तो दोस्तों ये था बनारस में नवनिर्मित नमोघाट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन एन्जॉय करिए, मस्त रहिए। सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्कार।